ये ग्रीन चिकन टिक्का मसाला देखिए कितना परफेक्टली कुक है, क्रीमी टेक्सचर वाला। इसकी ग्रेवी तो बहुत ही शानदार होती है, ये हरी ग्रेवी जो हरी मिर्च और हरे धनिया से तैयार हुई है। तो बस इसे बनाना है बेहद आसान, तो आइए चलिए इसको बनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, तो आशा अदवानी किचन में हम बना रहे हैं चिकन की बहुत ही अच्छी रेसिपी, जिसके लिए हमें ग्रीन चिकन टिक्का मसाला बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए खड़ा मसाला, उसके लिए धनिया है यहाँ मेरे पास मुट्ठी भर, 10-12 हरी मिर्च हैं, 10-12 ही यहाँ पर मेरे पास हैं लहसुन की कलियाँ, और ये अदरक का टुकड़ा, इसको भी काट लेते हैं हम, और इसका एक पेस्ट बना, इसको पीस लेते हैं। तो धनिया तोड़कर हम धनिया मिर्चे और ये लहसुन अदरक ये सब डालकर इसका एक ग्रीन पेस्ट बना लेते हैं। तो मैं पेस्ट बना लेती हूँ इसका। तो ये हमने मसाला पीस लिया है अपना हरा मसाला, आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मेरे पास 1 किलो चिकन है, इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ मेरे पास है 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून भर के है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून है पीली मिर्च और 1 टीस्पून है चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, 5 टेबल स्पून जाएगी इसमें दही, गाढ़ी दही। ये जो हरा मसाला हमने तैयार किया था ये भी इसमें डाल देते हैं, लहसुन अदरक हरी मिर्च और हरा धनिया का, ये इसमें शामिल कर देते हैं। इसको अच्छी तरह से मसालों के साथ चिकन को मैरिनेट कर देते हैं। इसमें चिकन में कट लगा लिए थे हमने जो बड़ी बोटियां हैं, ताकि मसाला अंदर तक चला जाए, और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करके अगर टाइम है आपके पास तो 1 घंटे के लिए रख दीजिए, नहीं तो आप इसे 15 मिनट बाद भी बना सकते हैं। इसे ढककर फ्रिज में रख देती हूँ 1 घंटे। इसके अंदर 2 नींबू का रस शामिल भी करना है, और इसको रखते हैं और इसको फिर रख देते हैं 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटा हो चुका है हमारे से चिकन को मैरिनेट हुए हुए। तो इसको अब हम एक तवे पर हमने तेल रखा है गरम, उसमें इसको हम जब तक पकाएंगे जब तक इसमें बन मांस ना आ जाए। एक इसका टिक्का बना लेना है हमें, टिक्का बना लेना है जब तक इस पर अच्छा से बन मार्क्स ना आ जाए। तो इसको हम पकने देते हैं। तो इधर हमारा ग्रीन टिक्का तैयार हो रहा है, तो दूसरी तरफ हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भर के देसी घी, और देसी घी के अंदर ये जो हमारा चिकन का हरा मसाला है मैरिनेट का ये बता हुआ है, ये इसमें डाल देते हैं। तो इसकी ग्रेवी को हम कुक कर लेते हैं, अच्छी तरह से भून लेना है ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। लिड लगाकर इसको ढक पकने के लिए छोड़ देते हैं सिंपल। इधर अपने टिक्के के पीसेस देख लेते हैं, अभी बन मास नहीं आए, अभी हम थोड़ी देर में पलटेंगे। चिकन पर हमारे अच्छे से बन मास आ गए हैं, तो चिकन रेडी है हमारा ग्रेवी में जाने के लिए। अच्छे से कुक हो चुका है, ये 80% तक कुक हो चुका है, अच्छे से भुन चुकी है, घी सेपरेट हो गया है ग्रेवी से। तो ये सारा चिकन जो हमने सेका है तवे पर ये इसमें शामिल कर देते हैं। तवे पर बहुत सारे मसाले लगे हुए थे, तो थोड़ा सा पानी डालकर ये मसाले डाइल्यूट कर लिए। ये भी अपनी ग्रेवी के अंदर डाल देते हैं चिकन की। इसकी ग्रेवी को एक रिच लुक देने के लिए यहाँ मैंने क्रीम के अंदर 2 चम्मच दही मिलाई है, और इसको इस पर डाल देती हूँ। तो ये क्रीम डालकर इसे मिक्स कर देते हैं। फॉइल पेपर की एक मैंने कटोरी सी बना ली है, और यहाँ एक कोयला,
इस पर घी या तेल डालकर और इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसको ढक देते हैं। बस 5 मिनट तक इसी तरह रखा रहने देते हैं तो ये तैयार हो जाएगा। इसको निकाल देते हैं कोयले को और बस ये तैयार है हमारी ग्रेवी। इसको सर्व कर लेते हैं। चिकन टिक्का हरा मसाला बनकर तैयार है हमारा। तो इस पे थोड़ा सा ऊपर से अच्छे टेस्ट के लिए और बटर डाल देते हैं, मेल्टेड बटर है। बस ये बड़ी ही आसानी के साथ बन जाता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। जो घर के सामान आसानी से मिल जाने वाले सामान के साथ तैयार हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।